भी प्लस के क्वेश्चंस हैं, आपने इनको प्लस करना है, जहाँ पे कैरी दिया जाएगा वहाँ पे आपने। नेक्स्ट एक्टिविटी 16, एक्टिविटी 16 भी हमारे पास प्लस के क्वेश्चन है, जहाँ पे कैरी दिया जाएगा वहाँ पे आपने कैरी देके इनको सॉल्व कर देना है। अगेन पेज नंबर 19, एक्टिविटी 17, सब्ट्रैक्शन माइनस करने हैं, अगर ऊपर स्मॉल वैल्यू और नीचे बिग वैल्यू तो आप क्या कर लेते हो, साथ वाले नंबर से कैरी ले लेते हैं। इस तरह आपने कैरी लेना है और इनको आपने सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट है एक्टिविटी 18, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, सॉल्व द सम्स, ठीक है। इनमें आप क्या करोगे, पहले वंस को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा फोर डिजिट नंबर के साथ, फिर टेंस को मल्टीप्लाई का साइन लगा के, फिर हंड्रेड को, 12 मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर तीनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर देंगे, तो आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट है डिवीजन, ठीक है। एक्टिविटी 9, सॉल्व द सम। आप क्या है कि बाहर टू डिजिट नंबर है तो अंदर भी आप टू डिजिट नंबर को चेक करो, ठीक है। आप ऐसे करें, रफ वर्क में आप 18 का टेबल फाइंड टेबल सारा लिख लें 10 तक, ठीक है। आगे आप देखिए कि जहाँ पे 87 है, ये 87 से स्मॉल वैल्यू आए तो वो आप लिखोगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है। 18 मल्टीप्लाई पे 472, ठीक है, इसको जब माइनस किया तो हमारे पास 15 आ गया, हमने इस आगे नेक्स्ट नंबर को नीचे ले गया है 5। अब देखिए 18 के टेबल में 155 या 155 से स्मॉल वैल्यू, तो आपने क्या किया, 18 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 144 आ गया, इनको हमने माइनस किया, फिर हमने नेक्स्ट नंबर 2 को नीचे उतार लिया, ठीक है। फिर 18 के टेबल में 112 या 112 से स्मॉल वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास 6 पे आ गया 108। इसी तरह 18 का हमने नेक्स्ट जो है 6 नंबर नीचे उतार लिया, ठीक है। फिर 18 की को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आ गया, जब 46 को माइनस किया 36 में तो 10 रिमाइंडर आ गया, 10 जो 18 से स्मॉल वैल्यू है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन इधर ही सॉल्व हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आगे नेक्स्ट है एक्टिविटी 20, ब्रैकेट्स, ठीक है। जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, उसके बाद जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको ब्रेसिस या कर्ली ब्रैकेट्स, फिर जो होते हैं उनको ब्रैकेट्स या और बॉक्स कहते हैं। आप क्या है कि ये एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच कम्स फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। जब हम हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर आप सबसे पहले जो है जो ग्रुपिंग सिंबल्स होते हैं आप उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। विच ग्रुपिंग सिंबल शुड बी यूज फर्स्ट, आपके ग्रुपिंग सिंबल के जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं, तो जो पैरेंथेसिस होती है जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट होती है हम उस सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे एमसीक्यूस नंबर 3, इफ़ एन एक्सप्रेशन हैज़ ब्रेसिस एंड ब्रैकेट्स विच शुड बी यूज्ड फर्स्ट, तो सबसे पहले आप ब्रेसिस वाली ब्रैकेट ब्रेसिस को सॉल्व करोगे। आप क्या है कि इंट एक्सप्रेशन विच ऑपरेशन यू डू फर्स्ट, अब ये हमारा डीमैस पे है, ठीक है। डीमैस में क्या होता है कि सबसे पहले आप डिवीजन करते हो, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें आप इस एक्सप्रेशन में आप सबसे पहले डिवीजन करोगे, डिवाइड करोगे, फिर आपके सारे बाकी ऑपरेशन यूज़ होंगे। अब ये है, उन्होंने हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है, 8 प्लस पैरेंथेसिस 3 माइनस 2 माइनस ब्रैकेट्स 4 प्लस पैरेंथेसिस 5 माइनस 3 माइनस 1। आप सबसे पहले इसमें देखोगे कि ब्रैकेट्स कौन कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। इनमें अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस है और ब्रैकेट्स है, सबसे पहले आप पैरेंथेसिस दोनों सॉल्व करोगे। दोनों जब पैरेंथेसिस हमने सॉल्व की तो इधर हमारा आंसर आ गया 1 और इधर आंसर आ गया 2। उसके बाद आप ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स में आप सबसे पहले एडिशन को सॉल्व करें, क्योंकि डी मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन के पास एडिशन आते हैं फिर सब्ट्रैक्शन आता है। जब एडिशन हमने किया 4 + 2 तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 1, 6 में माइनस 1 किया तो 5। अब ये हमारे पास ब्रैकेट सारी ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब इसमें आप सबसे पहले एडिशन यूज़ करोगे, 8 + 1 9, 9 माइनस 5 4। इस तरह आप ये वाले सारे ऑपरेशन करोगे। आगे नेक्स्ट, अगेन उसी तरह है, सबसे पहले आप देखोगे ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स कौन कौन सी है, पैरेंथेसिस है, ब्रेसेस हैं या ब्रैकेट्स हैं। अगर पैरेंथेसिस में तीनों ब्रैकेट्स हैं हमारे पास तो सबसे पहले आप पैरेंथेसिस यूज खोलोगे, फिर उसके पास ब्रेसिस खोलोगे, फिर नेक्स्ट आप ब्रैकेट्स खोलोगे। उसी तरह यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ होगा, वही पैरेंथेसिस आप सबसे पहले करोगे, फिर ब्रेसेस, फिर ब्रैकेट्स और फिर आप ऑपरेशन यूज़ करोगे, डीमैस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये भी क्वेश्चन एज इट इज़ आप सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट है एरिया एक्टिविटी 21। आप क्या है कि उन्होंने हमें क्या है कि इसका एरिया फाइंड करें। अगर आपने स्क्वेयर का एरिया फाइंड करें तो करना हो तो क्या होता है,
स्क्वेयर की जो फोर साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। उसका लेंथ को आप मल्टीप्लाई करवा के ब्रेथ के साथ, अगर उसका एक नंबर भी 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है उसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी फोर साइड्स इक्वल होती है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं विथ के साथ। अब उन्होंने हमें लेंथ भी दी हुई है 6 मिलीमीटर और विथ भी दी हुई है 9 मिलीमीटर। जब हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करवाया विथ के साथ, तो हमारे पास आ गया 54 मिलीमीटर स्क्वेयर। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे आपने ट्राइंगल का करना है। आपको पता है कि रेक्टेंगल को जब हाफ करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनती है, ठीक है। अब क्या है कि ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के साथ। ब्रेथ उन्होंने हमें दिए हुए 4 मिलीमीटर और हाइट उन्होंने दिया है 6 मिलीमीटर। जब आपने 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 24 आ गया, ठीक है। मिलीमीटर मिलीमीटर के साथ 2 है तो हमारे ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर। उसके बाद हमने इसको डिवाइड करवा दिया 2 पे, तो हमारा आंसर आ गया 12 मिलीमीटर स्क्वेयर। आगे नेक्स्ट है एक्टिविटी 22, वॉल्यूम। अब क्या है कि क्यूब्स उन्होंने दिया है, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको पता है कि क्यूब की हर साइड जो है वो इक्वल होती है। अगर एरिया क्यूब का, तो वो हम फाइंड किस तरह करते हैं कि उसका साइड का स्क्वेयर लेते हैं, और वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, साइड का क्यूब लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि हर जो क्यूब है वो 1 सेंटीमीटर से बना हुआ है। अब हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। जब हमने देखे इसका एक का वॉल्यूम हमने जब फाइंड किया, तो वो हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने ये हमारे पास कितने क्यूब्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो हमने इस 1 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह आप इन सबको पहले एक एक का वॉल्यूम फाइंड करोगे, फिर उसको आप टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे। आगे नीचे उन्होंने लिखा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अननोन एजेस। अब क्या है कि उन्होंने हमें यहाँ तो दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ दी हुई है, तो हमने विथ फाइंड करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय विथ। वॉल्यूम उन्होंने हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेंथ भी उन्होंने दिया 4 सेंटीमीटर क्यूब, ब्रेथ भी उन्होंने दिया 5 सेंटीमीटर क्यूब, विथ को हमने फाइंड करना है। 4 का जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आप क्या है कि 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने 100 पे डिवाइड करवा दिया 20 को। जब इसकी हमने कटिंग की तो हमारे पास आ गया 5। इसी तरह आप इन सब के जो वैल्यू, जो नंबर उन्होंने जो हमें फाइंड करने का बोला हुआ है, जैसे इसके अंदर उन्होंने लेंथ कहा है, तो हम इसके अंदर लेंथ फाइंड कर लोगे। जो भी आपको उन्होंने बोला होगा उसको आप फाइंड कर लोगे। होप दिस वीडियो हेल्प यू इन डूइंग योर होमवर्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।